बच्चों, तुम लोगों ने 12 खड़ी में आ आ इ ई उ और उनकी मात्राएं सीख ली हैं। आज तुम लोगों को पढ़ना है ए ऐ और उनकी मात्रा कैसे लगाई जाए। देखो ये लिखा हुआ है ए, क्या कहेंगे इसको? और इसी ए पर ए की मात्रा लगा देते हैं, ये हो जाता है ऐ, क्या कहेंगे इसको? ऐ। तुम बताओ बेटा ये क्या लिखा है? ऐ, ठीक लिखा। उमर तुम बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ए ए, क्या कहेंगे इसको? ए कहेंगे। ठीक किया तुमने। अक्षत तुम यहां आओ और ए लिखकर बताओ कैसे लिखेंगे। बहुत अच्छे। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अब असित तुम आए लिखकर बताओ कैसे लिखेंगे। बिल्कुल ठीक किया। तुम लोगों ने ए आए पढ़ना भी सीख लिया और ए आए लिखना भी सीख लिया। गुरुजी, ए आए तो लिखना पढ़ना हमारे बच्चों ने सीख लिया है, इनकी मात्राओं के प्रयोग कैसे होते हैं हम ये जानना चाहते हाँ, हैं। हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, कौन सा अक्षर है और ये कौन सा अक्षर है, इनके ऊपर की ओर देखो मात्राएं। जब एक ही मात्रा लगाएंगे किसी अक्षर पर तो एक मात्रा लगाएंगे, और जब आय की मात्रा लगाएंगे तो उस अक्षर के ऊपर दो मात्राएं लगा देंगे और उसी अक्षर के साथ उसका उच्चारण करेंगे। देखो जैसे का पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो एक लगाने के लिए एक मात्रा लगाएंगे, एक लगाएंगे तो का के साथ एक का उच्चारण करेंगे के, क्या क्या हुआ बोलेंगे? बच्चों? इसी तरह जब गा पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे तुम बताओ? गे। बिल्कुल ठीक कहा है। अब इस प्रकार जब ए की मात्रा लगाएंगे तो दो मात्राएं लगाएंगे। कितनी मात्राएं लगाएंगे? दो। हाँ, बहुत अच्छे। ये दा है, दा पर ए की मात्रा लगाएंगे तो दो मात्रा लगा देंगे और इसका उच्चारण करेंगे दाए, क्या करेंगे? दाए। अक्षत, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये क्या है? आए। गुरु जी, कभी कभी मैं एक प्रयोग हमने देखा है, सामान्य रूप से लोग गलती करते हैं, जब ए लिखते हैं पढ़ते तो ए हैं लेकिन मात्रा ऊपर एक ही लगा देते हैं, हाँ ये आप ठीक जैसे प्रश्न कर रहे एकल हैं, में बड़े ए की मात्रा लगाकर एकल कर देते ये हैं। सही कहा है। इसका कारण यह है कि जब हम ए लिखते हैं तो ए पर तो कोई मात्रा नहीं रखते हैं, जी, और आए लिखते हैं तो आए पर एक मात्रा लगा देते हैं। जी, मात्राओं में ए लिखते समय एक मात्रा लगाते हैं और आए लिखते समय दो मात्रा लगाते हैं। भ्रमवश लोग यह कर देते हैं कि जब ए लिखते हैं तो ए पर भी एक मात्रा लगा देते जी, हैं तो हो तो जाता है आय, लेकिन पढ़ते हैं ए। इसी प्रकार जब आय लिखते हैं तो आय लिखते समय दो मात्राएं लगा देते हैं, क्योंकि क पर दो मात्राएं लगी हैं, द पर दो मात्राएं लगी हैं, प पर दो मात्राएं लगी हैं, तो ए पर भी वो दो मात्रा लगा देते हैं और पढ़ते हैं आय। ये गलती सामान्यतः हो जाती है। बच्चों समझे आप? देखो जब हमें एक ही मात्रा लगानी है तो एक मात्रा लगाएंगे, है ना, और जब हमें आय की मात्रा लगानी है तो हम दो मात्राएं लगाएंगे, है ना। जैसे एकता शब्द है तो एकता केवल ए लगता है ना, तो उसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि वह खाली ए का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर उसमें हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो वो आयक्ता हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए इस बात को? जी। अब इसको लिखित रूप में तुम लोग समझ लो। जब एक लिखेंगे तो ए लिखेंगे लेकिन ए पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, नहीं।
लेकिन जब केला लिखेंगे तो का पर एक मात्रा लगा देंगे और ला लिख देंगे, ये हो जाएगा केला। अच्छा अब तुम लोग देखो, हम कुछ शब्द पूछ रहे हैं, तुम लोगों को देखना है ये शब्द और इनको बताना है। असित तुम इन शब्दों को देखो और पढ़कर बताओ, एक एक एक, एक शब्द को पढ़ो। देखा और केला। बहुत अच्छे, और आगे बताओ। नेता। बिल्कुल ठीक कहा, रेशम। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। अब अगर अक्षरों पर मात्रा अगर केवल ए लिखा जाए तब इनको पढ़ करके, उमर तुम बताओ। चाहिए, फिर से पढ़ो इसको। चाहिए नहीं, चा में कौन सी मात्रा, कौन सी मात्रा है बेटा? आ, तो क्या पढ़ेंगे? चाहिए, चाहिए। गए, जाए, चलिए। बिल्कुल ठीक है। अक्षत इन शब्दों को पढ़ करके तुम बताओ बेटा। अकेला, हाँ। सुदेश, ठीक। नरेश, ठीक। सुलेख, बिल्कुल सही कहा। अब देखो भाई, इसी प्रकार आय और ऐसे बने शब्द मात्रा से ये देखना है। तो अब असित इन शब्दों को तुम पढ़ो बेटा। ऐनक, ऐसा, ऐरावत, ऐपन। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। गुरुजी हमारे बच्चे एक ही मात्रा सीख गए, अब आय की मात्रा का प्रयोग बताइए इन्हें। अब देखिए इस कार्ड की ओर देखो, तुम लोगों ने भी देखा है जब आय की मात्रा लगाते हैं तो कई मात्रा ऊपर लगाते हैं, दो मात्रा लगाते हैं। यहां पर कई मात्रा ऊपर लगी है, दो मात्राएं लगी हैं। तो अब तुम बताओ बेटा, ये पहला शब्द पढ़ो क्या है? पैदल। बिल्कुल ठीक कहा। कैलाश, बिल्कुल ठीक कहा। इसी प्रकार तुम अक्षित पढ़कर बताओ ये कौन कौन से शब्द हैं? करेला, कुकरेल, अहेतुक, सुगेल। बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम लोगों ने पढ़ना तो मात्राओं का सीख लिया है, अब जरा लिखना कैसे है ये तुम लोगों को देखना है। उमर तुम आकर के लिखो, कैसा, कैसा, कैसा। बिल्कुल ठीक। क्यों असित तुम लिख सकते हो? असित एक शब्द लिखकर दिखाओ। लिखिए देखना, देखना। बिल्कुल ठीक किया। आइए गुरुजी, बच्चों देखा आपने आज 12 खड़ी के अंतर्गत ए आए लिखना और ए आई की मात्राओं से शब्दों को बनाना और उन्हें पढ़ना सीख लिया। इसके आगे हम लोग कल सीखेंगे।